फिर दोस्तों सपोज आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जो मार्केट का एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट उस प्रोडक्ट को कोई खरीदता ही नहीं। दैट मीन्स नो सेल्स, एंड नो सेल्स इज इक्वल टू नो बिजनेस। तो आप कैसे उस प्रोडक्ट को सेल करोगे, कैसे आपका वो खास प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा? अगर किसी को पता ही नहीं है आप क्या ऑफर कर रहे हो, तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना लो, कोई खरीदेगा नहीं। तो आपको एक तरीका ढूंढना होगा जिससे लोगों को पता चले कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, जो उनकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उस तरीके को कहते हैं मार्केटिंग। हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के पास एक तरीका जरूर होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग मतलब कुछ बेचना नहीं है, मार्केटिंग मतलब लोगों को बताना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को नोटिस करवाना है कि आपकी प्रोडक्ट उनकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आसान शब्द में कहूँ तो मार्केटिंग मतलब सही कस्टमर ढूंढना और उन्हें अट्रैक्ट करना। इस वीडियो में आपका शेयर करूँगा 10 मार्केटिंग टिप द पर्सनल MBA बुक से, जो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में आपको हेल्प करेगा। हमारा मॉडर्न लाइफ बहुत बिजी है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने के लिए या आपके ऊपर अटेंशन देने के लिए। लोगों को बहुत सारा काम करना है, जैसे किसी को कॉल करना है, ईमेल्स चेक करना है या नेटफ्लिक्स पे स्कैड गेम्स देखना है। लोग ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आपको एक फिल्टर चाहिए जो उन्हें बताएगा कि आपका प्रोडक्ट अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि लोगों की अटेंशन लिमिटेड है। हर एक के पास 24 आवर्स ही होता है पूरे दिन में, तो आपको जो करना है उसी समय में करना है। और यहीं पे ज़्यादातर मार्केटर्स स्ट्रगल करते हैं, उनको सही अटेंशन नहीं मिलता। सही अटेंशन मतलब उस टाइप के कस्टमर जो आपसे सच्ची में प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब तो हर एक को टारगेट नहीं कर सकते, आपको फिल्टर करना होगा कि इन 100 लोगों में ये 10 या 20 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप 100 लोगों को टारगेट करोगे तो वो बेवकूफ़ी होगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा कोई भी एंड रिजल्ट के बिना ही। तो उन लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करें जो सच्ची में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और धीरे धीरे आप अपना बिजनेस को बढ़ा लोगे। तो पहला तरीका है रिसेप्टिविटी। लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं जिस चीज़ के बारे में वो केयर नहीं करते। हमारा ब्रेन हमेशा फिल्टर करता रहता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इग्नोर करें, तो उस चीज़ के बारे में बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है। रिसेप्टिविटी मतलब ये पता लगाना है कि वो इंसान कब और कहाँ ओपन माइंडेड है आपके प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मुझे नए नए चीज़ों के बारे में सीखना पसंद है, बट अगर कोई रात को 3 बजे मुझे ईमेल करता है एक न्यूज़लेटर के साथ, तो मैं उस ईमेल को जरूर इग्नोर कर दूंगा। ये भी मैटर करता है कि आप उस न्यूज़लेटर को किस मीडियम से भेज रहे हो। जैसे 99% लोग Amazon या Flipkart से आया हुआ प्रोमोशनल ईमेल्स को इग्नोर करते हैं, बट जब वही मैसेज उनको एक चिट्ठी के रूप में मिलता है तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो उसे खोल कर जरूर देखेंगे। रिसेंटली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने 2 बुक ऑर्डर किया था और उन दोनों में ही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का ऐड था, जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पाया। तो अगर आप रिसेप्टिविटी से अटेंशन पाना चाहते हैं, तो कब, कैसे और कहां उस मैसेज को भेजना है वो पहले डिफाइन करें। दूसरा तरीका है रिमार्केबिलिटी। आपने तो वो एडवर्टाइजमेंट देखा ही होगा, वाइल्ड स्टोन, लोग तो नोटिस करेंगे ही, या रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज। वाइल्ड स्टोन बॉडी स्प्रे ये बताना चाहता है कि आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं लोग आपको नोटिस करें, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, गर्लफ्रेंड दौड़ के आपके पास आएगी। या आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप रॉयल स्टैग पियो, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। इन दोनों एड से कंपनी ये बताना चाहता है कि हम कितने रिमार्केबल है, यानी ये प्रोडक्ट कितना अलग है दूसरे प्रोडक्ट से। जब ऑथर भाई ब्रह्म के 5 फिंगर शूज पहन के जॉगिंग कर रहे थे, तो उन्हें लोग ये पूछ रहे थे किस टाइप का जूता है ये, कहाँ से खरीदा, इसकी प्राइस कितनी है। लोग इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि वो जूता बहुत सुंदर है, बल्कि इसलिए पूछ रहे थे कि वो जूता बहुत वियर्ड है, सबसे अलग। वाइब्रम ने उस जूते को फ्री में प्रमोट कर दिया इस रिमार्केबिलिटी को अप्लाई करके, जिससे उनका रेवेन्यू $10 मिलियन क्रॉस कर गया है 3 सालों के अंदर। बुरा नहीं है एक फनी वियर्ड जूते के लिए। चीज़ों को रिमार्केबल बनाने की कोशिश करो, आप अटेंशन हासिल कर लोगे।
तीसरा है प्रोबेबल परचेसर। इस दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, 99.99% आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 100 में से 100 लोग ही आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये बहुत बड़ा मार्केटिंग मिस्टेक होगा। सबको अट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, आपको तो कुछ ही कस्टमर चाहिए जो आपसे खरीदेंगे और जो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए रखेगा सालों साल। अगर आप मोटिवेशनल बुक्स की मार्केटिंग कर रहे हो तो आप किसी टेक्निकल सेमिनार में तो नहीं जाओगे उस बुक को प्रमोट करने के लिए, बल्कि आप किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाओगे जहां आपका प्रोबेबल परचेसर है। प्रोबेबल परचेसर वही लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए एकदम परफेक्ट फिट है, जो लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में ओपन माइंडेड है, वो आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको बस सही जगह और सही टाइम चुनना होगा इस टाइप के कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। चौथा है प्री ऑक्यूपेशन। लोगों का अटेंशन पाने के लिए आपको उनकी करेंट अटेंशन को डाइवर्ट करना होगा आपकी तरफ। लोगों का अटेंशन किसी ना किसी चीज पे है, जैसे एक इंसान सैमसंग का फोन यूज कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो किसी दूसरे ब्रांड का फोन यूज करे तो आपको उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करना होगा, यानी बदलना होगा। उसके लिए आपको उनको ये दिखाना होगा कि आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनके करेंट प्रोडक्ट से। उनके अंदर एक फीलिंग्स जगाना होगा जो क्यूरियोसिटी और सरप्राइज तैयार करे, जो उनको इमेजिन करने में मजबूर कर दे कि अगर उसे वो प्रोडक्ट मिल जाए तो उससे वो क्या क्या कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स बनाना होगा। फीलिंग्स जितना गहरा होगा उतनी जल्दी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लोगों की अटेंशन को तोड़ो उनको किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में उत्साहित करके। फिफ्थ है एंड रिजल्ट। लोग 48 मेगापिक्सल कैमरे का फोन इसीलिए नहीं खरीदते कि उनको उतनी पावरफुल फोन की जरूरत है, बल्कि इसीलिए खरीदते हैं अगर उन्हें जरूरत पड़े तो। उस 48 मेगापिक्सल कैमरा फोन से वो ये श्योर होना चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वो लोग बोल्ड एंड एडवेंचरस फील करना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे खरीदते हैं। लोगों के दिल में ऐसा फीलिंग जगाने के लिए आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करना होगा। सपोज आप ये बोल के मार्केटिंग कर रहे हो कि अगर आप ये फोन खरीदोगे तो आपको कितना ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज। पर अगर आप सेम चीज़ को एंड रिजल्ट पे फोकस करके मार्केटिंग करते हो जो उनके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप उन्हें उस फोन का फीचर्स दिखा रहे हो, बेनिफिट नहीं, जिससे हो सकता है लोग उस फोन को नहीं खरीदे, क्योंकि उन्हें 100 फीचर्स नहीं एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। जब आप एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो तो उनके दिल में एक ख्याल आता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। सिक्स्थ है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब अच्छे कस्टमर ढूंढना जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट फिट है। अगर आप प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस कंपनी में कार इंश्योरेंस करवाने के लिए जाओगे तो वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, जैसे आपकी कार किस टाइप की है, क्या वो आपकी खुद की है या आपने भाड़े पे लिया है, आपका पिन कोड क्या है, क्या आप मैरिड हो, क्या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कि आपका कोई कार एक्सीडेंट हुआ है पिछले 5 सालों में। इन सारे क्वेश्चन से वो ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कस्टमर मेरे बिजनेस के लिए सही है। अगर नहीं है तो वो आपको दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने के लिए बोलेगा। आप सोच रहे हो कि इसमें तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, पर नहीं, कंपनी उस टाइप के कस्टमर को चाहता है जो कार का इंश्योरेंस करवाए और कभी भी एक्सीडेंट भी ना करें, मतलब 100% प्रॉफिट। इस टाइप के कस्टमर आइडियल होते हैं। आप जितना आइडियल कस्टमर ढूंढ पाओगे आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। सेवेंथ है डिज़ायर। लोग उस चीज़ को ही खरीदते हैं जिस चीज़ को वो दिल से चाहते हैं। आप उन्हें मैनिपुलेट करके तो कुछ बेच सकते हो, बट वो टेम्पररली है, लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी बिजनेस जस्ट मैनिपुलेशन के ऊपर टिका नहीं रह सकता। आपको एफेक्टिवली मार्केटिंग करना होगा। एफेक्टिव मार्केटिंग उसे ही कहेंगे जो ढूंढ निकलता है कि लोगों को क्या चाहिए, फिर वो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा हो जाएगा उस चीज़ को खरीदने के लिए। अंदर से एक आवाज़ आएगा, मुझे वो चाहिए, जैसे एक 2 साल का बच्चा जिद करता है, उसी तरह आई वॉन्ट दिस।
आपका मेन काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, पर उनको हेल्प करना है कि वो खुद को कन्विंस करे और अपने अंदर उस 2 साल के बच्चे को जगाए जो कहता है मुझे वो चाहिए। नंबर 8 पे है विजुलाइजेशन। एक कार सेल्समैन का मेन काम होता है कि वो कस्टमर को किसी भी तरीके से कन्विंस करे कि वो एक बार टेस्ट ड्राइव ले। टेस्ट ड्राइव का एक ही मतलब है, उस कस्टमर को विजुलाइज करवाना कि इस कार के साथ उनका लाइफ कितना सुंदर होगा। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उनके अंदर एक फीलिंग्स आएगा, एक डिज़ायर पैदा होगा और वो उस कार को खरीद लेंगे। टेस्ट ड्राइव करने से पहले वो खुद को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं मुझे ये कार नहीं चाहिए, पर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उनका वो डाउट क्लियर हो गया और वो उस कार को चाहने लगे। और जब एक इंसान कुछ चाहता है तो उसे वो खरीदता है। आपका मेन काम है कस्टमर को उत्साहित करना कि वो एक बार टेस्ट ड्राइव ले। एमओए भी इस ट्रिक को अप्लाई करता है, वो कुछ फ्री प्रोडक्ट सैंपल देता है यूज़ करने के लिए और उसके बाद काम तमाम हो जाता है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। 9th है फ्री। अगर आप बहुत जल्दी बहुत लोगों की अटेंशन पाना चाहते हो तो कुछ वैल्यूएबल चीज़ को फ्री में दे दो। लोगों को फ्री का चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि उन्हें कुछ खोने से बहुत डर लगता है। फ्री की चीज़ लेने से कुछ खोने का डर नहीं होता है। अगर आप किसी को 2 ऑप्शन ऑफर करोगे, एक मैं आपको एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन दूंगा बदले में आपको आपका पुराना फ़ोन मुझे देना होगा, और दूसरा फ्री में आपको एक नॉर्मल फ़ोन दूंगा, तो ज़्यादातर लोग फ्री का फ़ोन ही चूज़ करेंगे चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। फ्री कोई प्राइस नहीं है, एक इमोशनल हॉट बटन है। सही जगह प्रेस करने से आप इजीली लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, जो मैंने प्रिडिक्टिबली इरेशनल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जियो ने इस फ्री को बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, सबको फ्री का सिम देके, इसीलिए उनके पास आज 300 मिलियन से भी ऊपर कस्टमर है। 10th है हुक। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको याद रखें तो हुक यूज करें। हुक एक सिंपल सेंटेंस है जो एक प्रोडक्ट की प्राइमरी बेनिफिट जाहिर करता है, जैसे दाने दाने में केसर का दम, लक्स कोजी अपना लक पहन के चलो। जब एप्पल ने आईपैड इंट्रोड्यूस किया था तब उसने ये नहीं बोला कि आप आईपैड में 1000 सॉन्ग रख सकते हो, बट उसने ये बोला कि 1000 सॉन्ग आपके जेब में। एप्पल ने लोगों को बेनिफिट दिखाया उस हुक सेंटेंस से, जिसकी मदद से पहले साल में 236,000 आईपैड सेल हुआ। अगर आप भी लोगों को हुक करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस तैयार करें जो लोगों को उस प्रोडक्ट का बेनिफिट बताएगा। इस हुक ट्रिक के ऊपर तो एक पूरा बुक है, सोशल मीडिया को यूज़ करके लोगों को कैसे हुक करना है उसके बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो एक मार्केटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर इस डिजिटल दुनिया में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उस बुक को खरीद सकते हो। तो यही थी वो 10 ट्रिक एक सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए। बट एक और ट्रिक है जो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, और वो है कंट्रोवर्सी। इफ़ यू वांट एन ऑडियंस, स्टार्ट अ फाइट। कंट्रोवर्सी मतलब एक पब्लिक पोजीशन जिससे लोग पसंद नहीं करते। लोग आपको गाली देंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको लेके चाय की दुकान पे डिस्कशन होगा, पर ये एक मास्टर ट्रिक है अटेंशन पाने का। अगर आपसे सारे लोग सहमत हैं तो आपको कोई भी अटेंशन नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लीडर्स इस कंट्रोवर्सी को सालों से यूज़ करते आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत नहीं। जो लोग नहीं करते और हर जगह उनकी बुराई करते हैं, घर में, बाहर में, चाय की दुकान पे या ऑफिस में, उनसे ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं लोग हमारे बारे में ज़रूर बात करें, चाहे वो हमें गाली दे या प्यार करे, कुछ भी करे, पर हमें याद रखे। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, कंट्रोवर्सी डिस्कशन पैदा करता है और डिस्कशन अटेंशन तैयार करता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको जॉस कॉफमैन की बुक द पर्सनल एमबीए से बताया है। अगर आप बिजनेस के बारे में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। मैं तो कहूँगा द बेस्ट कंप्लीट बिजनेस बुक। नीचे लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आप मानते हो कि आपको बिजनेस के बारे में और सीखना चाहिए तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।